आप तो तय कर चुके हैं कि आपने नवाज शरीफ साहब को चौथी मरतबा वजीर आजम हाउस भिजवाना है, तो फिर शहबाज साहब के हलके में क्या करने जा रहे हो? सर, नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए बुनियादी इकाइयां हैं ना मुख्तलिफ, वो हलके जहां से नून लीग क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है, मतलब मेरा अंदाजा है, गलत भी हो सकता है। यानी शहबाज साहब जितन ही जितन विद और विदाउट MQM, ये हम डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स जिस दिन हम हल्के पे बात करेंगे। अच्छा बारा, जिस दिन हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर मेजर स्टोरी वही है, उसके लिए दोबारा हम जाना हमें पड़ेगा हस्ब आदत, अदालती कार्रवाई और आइंदा इंतखाब। ये मियाँ एक दूसरे के साथ यूं जुड़ गए हैं कि आज बल्ला पेशावर के डिविजनल बेंच ने वापस दे दिया है तहरीक इंसाफ को। ये बताइए, क्या इलेक्शन कमीशन इसके खिलाफ जा रहा है अपील में या नहीं? अनुसर साहब, जो हमारी बात हुई इलेक्शन कमीशन के हुकाम के साथ, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अब तक जो फैसला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो ब्रीफ किया गया इस पिशावर हाई कोर्ट के फैसले पर, उसमें यह तय किया गया है कि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इससे पहले सिंगल बेंच में और उसके बाद डिवीजन बेंच के सामने भी ये कह चुका था कि जो इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को ऑर्डर पास किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात गैर कानूनी है और उनसे जो इंतखाबी निशान बल्ला है वो उन्हें नहीं दिया जा सकता, उसके ऊपर वो आखिरी फोरम यानी सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और वहां पर कॉन्टेस्ट करेंगे और ये कहेंगे। वैसे भी आमिर, फर्ज करो अगर वो नहीं जाते अपील में तो उसूली तौर पर ये लगेगा कि यार ये वाकई बेबुनियाद बातों पे किसी बहस पे इसको निशाना बना रहे थे, तो बाज़ोकात एक पोजिशन आपकी जो है मजबूरी भी बन जाती है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के रूबरू जाकर दलाल देना पड़े। साहब, इसमें थोड़ा सा एडिशन मैं करना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन के और आरओस के फैसलों के बाद जो ट्रिब्यूनल के और अदालती फैसले आए हैं उसने सारी क्रेडिबिलिटी को कहीं ना कहीं कैस्टर मार्क जरूर किया है इलेक्शन कमीशन को, थोड़ा सा एम्बेरसमेंट वाली साइड पे ले गया है सारी डेवलपमेंट। यार कितनी भी एम्बेरसमेंट हो लेकिन बहरहाल इन द एंड अदालत प्रिवेल कर रही है ना अदनान, या नहीं? मैं आमिर भाई इस पे आमिर भाई इस पे ज्यादा अच्छा आर्गुमेंट जी देखिए, अदनान साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि हमने ये देखा कि सिर्फ मैं इस्लामाबाद की अगर आपको बताऊं कि इस्लामाबाद में आरओस के 70 फैसलों को चैलेंज किया गया और सिर्फ 3 फैसले ऐसे थे इन 70 में से जो सस्टेन किए आरओस के, और बाकी जो 67 फैसले थे उनको ओवरटर्न कर दिया ट्रिब्यूनल ने। लिहाजा इसी तरह मुल्क भर में अगर देखें तो 1600 जो PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे उसमें से 1300 से जायद जो कागजात नामजदगी है उन्हें मंजूर कर लिया गया। लिहाजा ये बात तो किसी हद तक PTI की दुरुस्त थी कि आरोज ने बहुत ही ज्यादा बिला जवाज उनके। लेकिन यार आमिर, मैं असल में ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में जाए बगैर मैं इस बात पे चाहता हूँ, देखिए आप दोनों ये बात तो मानो यार, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यानी तहरीक इंसाफ ये तो नहीं कह सकती ना कि उन्हें बिल्कुल आरोज के रामो करम पर छोड़ दिया गया। नुसरत साहब बहरहाल देखिए, लेकिन सर नुसरत साहब देखें, अल्टीमेटली आरओज ने ही इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं। आपने एक नारा, आपने एक बयानिया बड़े जोरों शोर से सुना था नुसरत साहब कि आरओज के इलेक्शन है, आरओज के इलेक्शन होते हैं, आप आरओज का इलेक्शन आप डिनाई नहीं कर सकते, अल्टीमेटली आरओज ने इलेक्शन कंडक्ट कराने। पर मेरा यहाँ पे एक सवाल है, जो आपने ये बात उठाई है बल्ले का निशान वापसी वाली, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो तहफुजात थे लेवल प्लेइंग फील्ड वाले, भाई सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पेपर जमा कराए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पेपर जो मंजूर हुए हैं वो मंजूर हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अब एक बल्ले का निशान था वो भी वापस मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो जो बयानिया या जो वो मुतालबा था उनका लेवल प्लेइंग फील्ड आज खत्म हो गया। ये बात करते हुए मेरे प्यारे भाई, तुम मेरी ही बात की तस्दीक कर रहे हो, लेकिन पहले उसमें दूध में कुछ मेघनिया डालने के बाद अर्ज ये है, जैसे आप फरमा रहे हो कि अब एक तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की मजबूरी है कि वो ये साबित करे कि जी हमारे पास कुछ वैलिड वजूहात थी जिनकी बुनियाद पर हमने बल्ला वापस लिया था और सुप्रीम कोर्ट चाहे उनको रिजेक्ट कर दे, लेकिन ओवरऑल फर्ज करो सुप्रीम कोर्ट भी ये कह दे कि जी बल्ला आपका हुआ और अभी तक जो अदालती रिलीफ मिली है और फिगर्स के जरिए जो आपको आमिर ने बताया है ये परसेंटेज बहुत हाई बन रही है, सुपर बन रही है,
तो उसके बाद फिर तहरीक नुसरत साहब, आप मैं आपके आपकी राय की कदर करता हूं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, खुदा ना खास्ता सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी वही हो जो डीबी का फैसला है, तो इलेक्शन कमीशन को फेस सेविंग नहीं मिलेगी। आज उनके पास फिर फेस सेविंग है, कोई बात नहीं, एक जगह से फैसला दिया था इलेक्शन कमीशन ने, तो कुछ नहीं होता अगर उसे हाईकोर्ट में बहुत मुश्किल होता है। अदनान मेरे प्यारे भाई, मेरे और आपके दरमियान इत्तेफाक अमूमन बहुत मुश्किल होता है, इस बात को इसी पे रहने देते हैं। मैं अब भी इस बात पे इसरार करूंगा कि इलेक्शन कमीशन को जाना पड़ेगा ये साबित करने के लिए कि जी वो कुछ ठोस सर आमिर भाई से खबर लेते हैं ना कि क्या इलेक्शन कमीशन जाना चाहता है या जा रहा है। वो तो इलेक्शन कमीशन जा रहा है सर, वो तो कह रहे हैं ना आमिर ने। असल में बात यह है कि दूसरों की तो सुन ली ना, खुद में तुम में इतनी अकलो फरासत होती है। मेरे शुरू में जब मैंने कहा यार कि ये अभी तक जब हम हमारे ऑनर जाने से पहले, तो आमिर बेचारे ने पहली बात ये कही है कि वहां से उसको जो बातें आ रही है वो ये। अच्छा बहरहाल दूसरी बात आ जाए जिसपे मैं बहुत परेशान हूँ, वो ये है कि मैंने सुना है आमिर कि ये जो मज़ाहर नकवी साहब हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस हुआ था जिसमें बड़े शदीद संगीन इल्जामात लगाए गए थे, उन्होंने आज खुद इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा जी बस ठीक है। ये इस्तीफा देने के बाद आपका ख्याल है अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कहे कि अच्छा ठीक है जी, तो क्या उनको वो तमाम रियायत मुराद और पेंशन वगैरह मिलती रहेगी जो नॉर्मल रिटायर हुए जज को मिलती हैं? जी बिल्कुल नुसरत साहब, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो पहले बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी मौकफ़ के साथ आते थे कि तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और वो डट कर मुकाबला करेंगे इन तमाम इल्ज़ामात का और अपनी बेगुनाही साबित करेंगे, लेकिन आज अचानक ही उन्होंने ये फैसला किया कि उन्हें अब मजीद काम जारी नहीं रखना चाहिए और उन्हें फौरी मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया, ऑल्दो कि उसमें पहले गलती आई, फिर उन्होंने साथ में कॉरिजेंडम भी उसका जारी कर दिया और ये कहा कि उस जो गलती थी तारीख की उसको भी दुरुस्त तसव्वुर किया जाए और जल्दी से उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए, क्योंकि कल तय था कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने इस पर कार्रवाई करनी थी और ये बात फिर अच्छा आगे आप ये बताइए कि अब तक की रिवायात या कानून के मुताबिक फर्ज करो अगर किसी जज का कंडक्ट जो है इस तरह जुडिशियल कमीशन के रूबरू जो है जेर बहस हो जुडिशियल काउंसिल आई सपोज और वो इस्तीफा दे दे, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई रोक दी जाती है? कहते हैं कि जी चूंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ऐसे होता है कि नहीं? जी नुसरत साहब, अगर हम रिवायत देखें तो हमेशा ही ऐसा हुआ कि जब भी किसी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में शिकायत आती हैं और संगीन करप्शन के जब इल्जामात भी हों, तो वो आमतौर के ऊपर जब उन्हें फाइनल शो कॉज नोटिस या इवन फर्स्ट शो कॉज नोटिस भी जारी होता है तो वो बहुत आसानी से एक इस्तीफा लिखते हैं, सदर पाकिस्तान को भिजवाते हैं और यूं वो रिटायर जज की तमाम वो मरात हासिल। भाई खुदा के लिए मुझे इतना तो बता दो कि रिटायर जज की पेंशन कितनी होती है और दीगर मुराद भैया? सर जो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब हैं उनका अगर इस्तीफा सदर पाकिस्तान मंजूर कर लेते हैं और यूं जो जजेस रिटायर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी पेंशन सिर्फ 10 लाख रुपए है, इसके साथ उन्हें 2000 यूनिट्स बिजली के मुफ्त दिए जाते हैं, 300 लीटर पेट्रोल उन्हें मुफ्त दिया जाता है और 3000 रुपए का उन्हें मोबाइल अलाउंस दिया जाता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आमिर भाई सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस का नहीं पूछ रहे, नुसरत जावेद साहब आपसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज जिन्होंने इस्तीफा दिया है जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी की बात कर रहे हैं आप, तो नहीं तो पूरे भाई फुल पेंशन आमिर ये बता रहे हैं कि अभी तक की रिवायात के मुताबिक अगर नकवी साहब का इस्तीफा कबूल कर लिया गया तो वो एक हवाले से रिटायर्ड जज ही शुमार होंगे और उनको ये सब मिलता रहेगा। भैया अदनान वो ये कह रहे हैं नहीं, ये एक जज को मिलेगा, नहीं दूसरे सब ये एक जज को सारे मराद मिलेंगे, ये रीचेक करें, ऐसा नहीं हो सकता। मैं गरीब मुल्क में रहता हूँ, मैं दिवालिया मुल्क में रहता हूँ, मेरे दिवालिया मुल्क के साथ हो रहा है, मांगे तांगे के डॉलर अपने अपने बैंक में, इसको रीचेक करें सर, नेशनल टीवी पे गलत खबर चली जाए कि एक रिटायर्ड जज 2000 यूनिट लेगा जबकि मेरा गरीब 2 यूनिट पे 1300 रुपए बिल देता है। आपने देखा नहीं गुजरात वाला में क्या हुआ? एक गरीब मुल्क में जहाँ गरीब आटे को तरस रहा है वहाँ एक रिटायर्ड जज 1 मिलियन पर मंथ पेंशन लेगा। एक मिनट प्लीज आमिर, आप प्लीज ये बताएं जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब, उन्होंने कंटेस्ट किया, उनको उनकी सुनवाई ना हुई काउंसिल में, क्या उन्हें इस किस्म की पेंशन और मुराद मिल रही है?
देखिए नुसरत साहब, मैंने उस वक्त भी शौकत सिद्दीकी साहब का केस रेगुलर में कवर कर रहा था और उस वक्त बहुत से लोगों ने उन्हें ये मशवरा दिया था कि आप इस्तीफा दे दें, आपको नहीं बख्शा जाएगा और आप फारिग हो जाएंगे, सैक कर दिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो कॉन्टेस्ट करेंगे और बहरहाल उन्हें बरतरफ कर दिया गया और वो पाकिस्तान की तारीख के तीसरे जज हैं जिन्हें बरतरफ कर दिया गया। इससे पहले अखलाक अहमद 1960 की रिहाई में उन्हें बरतरफ किया गया और दूसरे जज 1970 की रिहाई में उन्हें बरतरफ किया गया था, लेकिन दोनों को करप्शन चार्जेस पर किया गया था। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को मिसकंडक्ट जो ने तकरीर की थी उसकी बुनियाद पर किया गया और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, उन्होंने कहा था वो कॉन्टेस्ट करेंगे और आज तक वो इस तमाम मराद से महरूम हैं क्योंकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। और ऑल्दो आमिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।